नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 और पार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का प्रीवियस क्लास में हो गया था हमारा। क्वेश्चन इज इफ टू आइसोसेलस ट्राइंगल्स हैव अ कॉमन बेस। दो आइसोसेलस ट्राइंगल है और दोनों का बेस कैसा है? कॉमन है। दोनों का बेस कैसा है? कॉमन है, राइट। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल। अब इसका मतलब क्या, मैं आपको फिगर से समझाता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है। ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है एंड दिस इज अनदर आइसोसेलस ट्राइंगल, दिस इज अनदर आइसोसेलस ट्राइंगल। अब इनके वर्टिसेस को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। देखो ये, अब इसको ध्यान से समझो आप। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, ए बी सी वन आइसोसेलस ट्राइंगल, राइट, एंड बी सी डी अनदर आइसोसेलस ट्राइंगल। अब आपको प्रूफ क्या करना है, लेट दिस पॉइंट बी ई। आपको ये प्रूफ करना है, देखो प्रूफ दैट द लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस, लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस, वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करी है वो कौन सी लाइन है? ए डी। वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करी है कौन सी लाइन है? ए डी। बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल, बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल, इट मीन्स ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, पहली चीज तो ये। और बाइसेक्ट का मतलब व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट बीई इज इक्वल टू ई सी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्या प्रूव करना है, क्या बोला गया? ठीक है, तो कैसे प्रूव करोगे आप ये समझो। देखो दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर, लेट दिस एंगल बी एंगल वन, दिस एंगल बी एंगल टू, दिस एंगल भी एंगल थ्री, दिस एंगल भी एंगल फोर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, आपने दो ट्राइंगल ले लिए ए बी डी एंड ए सी डी। अब ध्यान से देखो, ए बी डी विच ट्राइंगल वी हैव टेकन नाउ, ए बी डी, तो ए बी डी तो ये हो गया आपका, दिस इज ए बी डी। एनी क्वेश्चन? ये ब्लू वाला हो गया ए बी डी, क्लियर है? ठीक है, अनदर ट्राइंगल वी हैव टेकन इज ए सी डी, ए सी डी, ये हो गया आपका ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाता हूँ तो देखो, कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, यस और नो? बोल सकता हूँ। वाई? बिकॉज ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, क्लियर है? ठीक है, कैन आई से दैट ए डी इज इक्वल टू ए डी? देखो आपको ब्लू और रेड शर्ट दोनों दिखाई दे रहा है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, वाई? कॉमन। कैन आई से दैट बी डी, अब बी डी जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ब्लू ट्राइंगल एंड सी डी इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ रेड ट्राइंगल, तो कैन आई से दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी? अगेन जो बी डी सी है आपका, ये भी एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो ये भी गिवन है आपको, ये भी गिवन है, और ये आपका क्या हो गया? कॉमन। इन दैट रिगार्ड वी कैन से दैट दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले बताओ यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होगी, दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो पहले तो ये चीज क्लियर हो गई आपको, आपको प्रूफ क्या करना है, दैट बी इज इक्वल टू सी एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव करना हमें, ठीक है। अब देखो आपने दो ट्राइंगल लिए और हमने कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, तो अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड है, बी डी इक्वल टू सी डी, ए बी बी डी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ, क्लियर आया था? ठीक है, अब आगे देखो, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी, क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट इफ दीस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन विल बी इक्वल टू एंगल टू। तो ये चीज क्लियर होगी कि एंगल वन किसके इक्वल होगा? एंगल टू के होगा, ठीक है। एंगल वन किसके इक्वल होगा? एंगल टू के होगा। अब इसके बाद देखो, नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी। अब ध्यान से देखो, ए बी ई, ए बी ई हो गया फिर आपका ये ब्लू वाला ट्राइंगल ए बी ई,
एंड ट्राइंगल ए सी ई, ये हो गया आपका ए सी ई। बोलो भाई, क्लियर है? नाउ कैन आई से दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगेन गिवन है आपको आइसोसेलस ट्राइंगल, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। कैन आई से दैट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू? वी हैव जस्ट प्रूव्ड अबाउट। कैन आई से दैट ए, देखो ए में देखो आपको ब्लू और रेड दोनों शेड दिखाई दे रहा है, ए इज इक्वल टू ए, ये क्या है आपकी कॉमन साइड है। इन दैट रिगार्ड वी कैन से दैट ट्राइंगल ए पी ई, ट्राइंगल ए पी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। बोलो भाई, क्लियर हुआ है? ठीक है, अब देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बोल सकता हूँ एक तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी होगा, और दूसरा बी ई जो है आपका वो ई सी के इक्वल होगा। बी ई किसके इक्वल होगा? ई सी के। यही तो आपको प्रूव करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। लेकिन हमें प्रूव करना है कि इक्वल तो है और वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री देखो कैसे प्रूव करेंगे। कैन आई से दैट सम ऑफ बोथ दिस एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री? व्हाई? लीनियर पर। वेरी गुड। ठीक है, अब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो अगर मैं एंगल 4 की जगह एंगल 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180, और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के। अब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 अगर एंगल 4 के इक्वल है इट मीन बोथ एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। कहानी क्लियर? ठीक है, तो बस हो गया आपका प्रूफ, देखो कैसे किया हमने। यू कैन सी दैट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 180 डिग्री। लीनियर पेयर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 180। देन ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 90। और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के इक्वल है, तो दोनों ही एंगल कितने हो जाएंगे? 90। तो दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए और बी इक्वल टू सी, हैंड प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना। बोलो भाई, क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, कौन ए बी और ए सी ले सकते सा एंगल ले सकते हैं? ए सी को। ABE सीधा आप कह रहे हो, हम डायरेक्टली यहां से क्यों नहीं किया हमने? चलो डायरेक्टली लेते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली लेते हो आप इसको, तो आप क्या कहोगे बताओ? AB इक्वल टू AC, ये गिवन है आपको, AE कॉमन। चलो और बताओ तीसरा क्या होगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये कह रहे हो? तो भी आपको पहले प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब मेरी बात सुनो, वो कब लाइक है? आपने कहा ना एंगल साइड एंगल, ये कह रहे हो ना एंगल साइड एंगल, उसके लिए कंडीशन क्या आती है? आप कह रहे हो साइड एंगल साइड, राइट? आप कह रहे हो साइड एंगल साइड, ये कह रहे हो ना। चलो आपने कहा AB जो है हमारा वो AC के इक्वल मान लिया, ठीक है। फिर आपने कहा एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो फिर आपको पता होगा तो थर्ड साइड है वो इसी के बीच में आनी चाहिए, ये वाली। कुछ याद आ रहा है इसका रूल क्या था? वो साइड एंगल साइड में क्या होता है, जैसे कि ये इसके इक्वल है तो ये एंगल कॉमन हो, इस तरह से होता है। मतलब वो जो एंगल है तो दोनों के बीच में आना चाहिए। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये एंगल इसके इक्वल हो तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जो कॉमन साइड है हमारी फिर वो क्या होनी चाहिए थी? BC। अगर देखो BC कॉमन साइड होती देन व्हाट? देखो AB जो है AC के इक्वल हो जाता, ये आपको गिवन था। और जो आपने कहा एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाता, ये भी ठीक था। साइड एंगल फिर उसके बीच यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर ये कॉमन साइड होती है लाइक BC इज इक्वल टू BC, पर ऐसा तो नहीं है ना, बिकॉज इस कॉमन साइड कौन सी है आपकी? ए। समझ आ रही मेरी बात? उसको इसी तरह से करना पड़ेगा आपको। चलो मैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, एंड क्वेश्चन नंबर 31 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स इन द सेम ग्राफ। y इक्वल टू एक्स, देखो अगर आप y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, लाइक दिस इट विल पास थ्रू द ओरिजिन। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से बनेगा ये आपका।
और कैसे बनेगा उसका रीजन भी बताता हूँ आप, ठीक है? देखो, ये आपका वाई इक्वल टू एक्स, जब मैं वाई इक्वल टू एक्स, आपको पता ना 0.7 लेना होता है हमें। अब देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ, वाई इक्वल टू एक्स हो, y इक्वल टू 50x हो, y इक्वल टू 1000x हो, अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको मिलती है वो हमेशा ओरिजिन से पास होगा। पर आपको प्रेजेंटेशन दिखानी, तो देखो कैसे करोगे। मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 0। मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 2। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है अंदर सारी चीजें? ठीक है, अब इधर देखो दूसरा क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। आपने एक्स की वैल्यू 0 ले ली, एक्स की वैल्यू क्या ले ली? 0। तो माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं, तो 0 ही होगा। आपने एक्स की वैल्यू 1 ले ली, तो वाई क्या हो गया? माइनस 1। आपने एक्स की वैल्यू 2 ले ली, तो वाई क्या हो गया? माइनस 2। यहां तक सारी चीज समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो देखो अगर मैं वाई इक्वल टू एक्स की प्रेजेंटेशन शो करता हूँ, तो देखो पहला पॉइंट यही होगा 0,0, वाई इक्वल टू एक्स में यही था। दूसरा पॉइंट क्या था? 1,1, और फिर क्या था? 2,2। तो क्या आपको समझ में आ रहा है ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ किस तरह से ओरिजिन से पास होगा? ये क्लियर हो गया। अब दूसरा आपका क्या था? देखो दूसरा था वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसमें क्या हुआ था? अगर एक्स हमारा 0 था तो वाई क्या आया था? 0 ही आया था। एक्स को आपने 1 लिया तो वाई क्या आया था? माइनस। और एक्स को आपने 2 लिया तो वाई आया था माइनस। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 0,0 ये पॉइंट क्लियर, ठीक है? फिर 1 पर -1, ये 1 है और ये -1 है, ये पॉइंट क्लियर, ठीक है? फिर आपका 2,-2, ये 2 है और ये -2 है, ये पॉइंट क्लियर, ठीक है? तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह से आएगा। समझ में आ गया? लेकिन दोनों ही केसेस में देखो y इक्वल टू एक्स है वो भी ओरिजिन से पास होगा, जैसे कि आप रेड लाइन को देख सकते हो, और y इक्वल टू जो माइनस एक्स है ये भी ओरिजिन से पास होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। ये देखो ये जो आपका ये पास हो रहा है किस क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। और ये जो आपका ग्राफ है ये कहां पर जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं, और वैसे भी तो क्या सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये समझ में आ रहा है? और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? वाई पॉजिटिव होता है और एक्स नेगेटिव होता है, होता ही नहीं होता? तो देखो यहाँ भी यही हो रहा है, वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट की तरफ आए। रीजन क्या है उसका ये भी समझो। समझ में आ गया वाला पॉइंट? ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो यहाँ के आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन डी। सेक्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन, ये भैया आपके पेपर में पहले भी काफी बार आ चुका है, आपने करंट ईयर में भी इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा है, और वैसे भी बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, योर क्वेश्चन इज इफ एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्सपोनेंट्स आर रैशनल नंबर सिंप्लीफाई, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो कैसे सिंप्लीफाई करते थे, कुछ याद आ रहा है? सिंप्लीफाई करने का वे क्या होता था हमारा? देखो देखो ये आपकी वैल्यूएशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये आपका बी बाय सी है। मुझे ये बताओ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी और यहाँ पर एम, तो इसको आप सॉल्व करो तो बी को भी एम से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे नहीं करोगे? और जो सी है ये भी एम से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब यही है ना? ये समझ में आ रही है बात? तो आप देखो जब एक्स रेस टू पावर बी अपॉन एक्स रेस टू पावर सी, इसको करने के दो मेथड है। एक मेथड तो जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, दूसरा मेथड ये है कि आप जो इस पावर को पहले सॉल्व कर लो, मतलब व्हाट वी कैन डू, अगर बेस सेम हो डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस। वेरी गुड, बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस। तो देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां बेस सेम है तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी, और फिर ये हो गया बी प्लस सी माइनस ए, यस और नो? क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए, और ये हो गया आपका सी प्लस ए माइनस बी,
और फिर ये हो गया आपका एक्स रेस टू पावर ए माइनस बी, और ये हो गया आपका ए प्लस बी माइनस सी। डाउट क्लियर है तक? ठीक है, अब देखो, अब आप ये बताओ मुझे, ए रेस टू पावर एम ब्रैकेट एन किसके इक्वल होता है? ए रेस टू पावर एम है, एम इंटू एन होता है। तो देखो ये एम है और ये एन है, तो मैं इसको कैसे लिखूं, एक्स रेस टू पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए डॉट एक्स रेस टू पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी डॉट एक्स रेस टू पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक? ठीक है, कन्वर्ट भी विल है। देखो बी को आप इस बी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी को आप इस सी से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, प्लस बी सी। बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करो तो माइनस ए, देन माइनस सी को बी से करो माइनस बी सी, माइनस सी को सी से करो माइनस सी स्क्वायर, और माइनस सी को माइनस ए से करोगे तो प्लस सी होगा। होगा या नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। इंटू एक्स रेस टू पावर अगेन सी इंटू सी क्या होगा, सी स्क्वायर, सी इंटू ए प्लस सी ए, सी इंटू माइनस बी सी। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, देन माइनस ए इंटू सी माइनस ए सी या माइनस सी ए, और माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। इसमें कोई डाउट? ठीक है, नाउ दिस वन, इंटू एक्स रेस टू पावर, रेस टू पावर ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए इंटू बी प्लस ए बी, ए इंटू माइनस सी माइनस सी ए। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखो माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी, माइनस बी प्लस बी माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी। अब मुझे बताओ क्या इन सब, पहले तो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ प्लस बी सी माइनस बी सी, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है प्लस सी ए माइनस सी ए, ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है प्लस ए बी माइनस ए बी। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में, भाई यहाँ भी बेस कितना है आपका एक्स, यहाँ भी बेस कितना है एक्स, और यहाँ भी बेस कितना है एक्स। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होनी चाहिए, प्लस। तो अगर मैं पावर प्लस करता हूं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए, प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये क्लियर? फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। कोई डाउट? अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस बी सी, और ये कैसे बच गया, अच्छा ये रहा प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो एक्स एनीथिंग रेस टू पावर 0 1, ये आंसर है। कहानी क्लियर? चले आगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब इसका देखो और वाला पार्ट क्या है, आपका जो और वाला पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर रूट टू रूट थ्री एंड रूट फाइव ऑन द रियल लाइन। इस पर रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव, रूट थ्री रूट रूट टू रूट थ्री रूट फाइव। तो आप देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, देखो रूट सबसे पहले क्या आता है, रूट टू, तो रूट टू के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या करो, ये मैंने एक राइट ट्रायंगल ले, क्या ले लिया, राइट ट्रायंगल, ये बात समझ में आ रही है, क्या ले लिया, राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब मान लो ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका क्या है ओरिजिन पॉइंट, इसको मैंने ले लिया पॉइंट ए, इसको ले लिया पॉइंट बी। या अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप ऐसे करो, राइट रूट लेट दिस लाइन बी ओ ए, ठीक है, कितना ले लिया ओ ए, और इसको ले लो 1 ए। मैंने आपको यूनिट के लिए कहा था, यूनिट के लिए क्यों कहा, बिकॉज अगर 1 सेंटीमीटर लोगे तो डायरेक्ट छोटा दिखाई दे,
और फिर आप स्केल पर उसको 5 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर ले लो, वो आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 इंच को आप ले लो, 1 इंच को आप ले लो 5 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे? 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कंपस को रखोगे, कंपस को आप इस तरह से रखे, यहाँ पर चार्ज करा, ये समझ में आ गया? ठीक है, फिर इस पॉइंट पर आप कंपस को रखोगे, यहाँ कंपस को रख के यहाँ ही चार्ज कराओगे, ये क्लियर हो गया? ठीक है, फिर यहाँ कंपस को रखोगे, यहाँ ही चार्ज कराओ, सारी सारी बात। ठीक है, फिर मैंने यहाँ कंपस को रखा, यहाँ ही चार्ज, यहाँ कंपस को रखा और यहाँ से मैंने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखो रूट टू, रूट टू को अगर नॉर्मल सिस्टम देखे, पाइथागोरस थ्योरम बात करता हूँ, तो रूट टू आपको कुछ इस तरह से, इसको मैं 90 डिग्री लेता हूँ। देखो जो भी होता है रूट टू थ्री रूट फाइव, ये सारा का सारा आपको नंबर ये आपका तो हाइपोटेन्यूज है, ये रूट टू होना चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका क्या होना चाहिए रूट थ्री, ये हाइपोटेन्यूज है, ये आपका क्या ये रूट फाइव, ये मतलब। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया, लेट इट बी पी क्यू आर, जस्टिफिकेशन ऐसे। ठीक है, यहाँ मैंने कहा कि पी क्यू जो है हमारा ये 1 यूनिट है, और जो क्यू आर है हमारा ये भी कितना है 1 यूनिट है, क्यू आर हमारा कितना है 1 यूनिट, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, क्यू आर हमारा ये भी कितना है 1 यूनिट है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका पी आर है, जो आपका पी आर स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये कहानी क्लियर है? तो ये आपका 1 है, तो ये आपका 1 स्क्वायर हो गया, ये आपका 1 है, तो ये भी कितना हो गया 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब देखो पी क्यू स्क्वायर, आपका पी क्यू स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल, ये किसके इक्वल आ रहा है आपका 2 के, तो स्क्वायर को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, ये समझ में आया? ठीक है, इससे ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो मेरा पार्ट है ये वाला जो मेरा पार्ट है वो क्या है √2, तो इसका मतलब ये भी 1 यूनिट लेना है आपको और ये भी कितना लेना है 1 यूनिट लेना है, ये क्लियर हो गया? ये भी कितना लेना है आपको 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ आपने कंपास रखा और उसको स्केल पर, आपने 1 यूनिट स्केल पर कितना लिया था 5 सेंटीमीटर, कितना लिया था आपने 5 सेंटीमीटर, तो जब यहाँ कंपास रखोगे स्केल पर आप उसको कितना ओपन करोगे 5 सेंटीमीटर, स्केल पर कितना ओपन करोगे 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ कंपास लगा आपके 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा, तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे, जैसे मान लो आप इस तरह से इसको ज्वाइन करोगे स्केल से, तो ये जो है आपका व्हाइट इज जस्टिफिकेशन, ये क्या आप कर, अब आपको रूट टू को रिप्रेजेंट यहाँ नहीं करना है, कहाँ करना है नंबर लाइन, कहाँ करना है रिप्रेजेंट नंबर लाइन, तो आपने इसको इस तरह से आगे कर दिया, यहाँ कंपास रखोगे पॉइंट आउट, यहाँ क्या रखोगे कैसे कंपास, यहाँ इतना ओपन करोगे और फिर उसको इस तरह से नीचे लेके आओगे, इस तरह से नीचे लेके आओगे, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका √2, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है आता है सबको? ठीक है, आगे देखते हैं। अब मुझे रिप्रेजेंट करना है √2 के बाद, क्वेश्चन में क्या कहा गया था √3, √3। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस जस्टिफिकेशन को लेता हूँ तो इसकी एक साइड आप ये √2 है, ये क्या आपका, ये क्या आपका √2। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये एक साइड मेरे पास इतनी है √2 आ, और ये वाली साइड कितनी है आपकी 1, इसको क्या ले लिया मैंने 1, अब मुझे क्या बनाना है √3, तो अब मेरा पी क्यू कितना हो गया √2, तो क्या मैं यहाँ पर √2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मैंने पी क्यू की जगह क्या ले लिया रूट स्क्वायर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्यू आर, क्यू आर को मैंने क्या ले लिया 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, अब √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, वैल्यू, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखो आप ये कह रहे हो कि आपका ये पी आर, यहाँ भी ये पी आर था, ये पी आर रहेगा, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है पी आर। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो कि जो मेरा पी आर का स्क्वायर है, जो मेरा पी आर का स्क्वायर है वो 3 के इक्वल, तो अगर मैं स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफर करता हूँ तो पी आर किसके इक्वल होना चाहिए,
रूट थ्री के, तो पी आर मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, रूट थ्री के, तो इसका मतलब ये रूट थ्री है, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। अब रूट टू तो ऑलरेडी है ना, मुझे परपेंडिकुलर वन रूट थ्री, मुझे परपेंडिकुलर कितना चाहिए वन, तो आपने क्या किया इस पॉइंट, आपने क्या किया इस पॉइंट पर 90 डिग्री का ऐसे फिर एंगल बनाओ, समझ में आ गया, यहाँ कंपास रखोगे यहाँ लगाओ, यहाँ कंपास रखोगे यहाँ लगाओ, एक कंपास यहाँ और एक कंपास यहाँ, इस तरह से ये आपका ऐसे आ जाए। अब ये कितना लेना है आपको, 1 यूनिट, 1 यूनिट आपने 2 सेंटीमीटर, थ्री हमने कितना लिया था 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 1 5 सेंटीमीटर आप स्केल पर ओपन करोगे, इस तरह से स्केल पर 5 सेंटीमीटर ओपन करोगे, यहाँ कंपास रखोगे और यहाँ आपका, जब आप इसको कनेक्ट करोगे, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये कितना होगा आपका, ये कितना होगा आपका रूट थ्री, ये कितना होगा आपका रूट थ्री, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। आप आगे देखो, अब यहाँ कंपास रखो और यहाँ क्या रखोगे पेंसिल, कंपास यहाँ पेंसिल यहाँ, फिर उस आर्क को नीचे लेके जाओ, तो जहां वो मीट करेगी ये पॉइंट क्या आ गया रूट थ्री, ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब क्या बनाना था रूट फाइव, अब ये वाला पार्ट आप रूट, ये कितना आता है रूट थ्री बन गया ना, अब इसको हम ले लेते हैं रूट थ्री, इसको हम क्या ले लेते हैं रूट थ्री, कोई डाउट क्लियर आता है, इसको क्या ले लिया हमने रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा थ्री, आपको क्या बनाना है, तो यहां पर क्या होना चाहिए टू, टू का स्क्वायर क्या होगा, तो कैसे बनाओगे इसके साथ कंटिन्यू करके होगा या नहीं होगा, अलग से ही बनाना पड़ेगा, समझ आ रहा है, जैसे रूट टू के साथ तो रूट थ्री बन गया, रूट थ्री के साथ आपका ये नहीं बन सकता, रूट थ्री के साथ बनाने की बजाय इसको अलग से बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे, पाइप किसका सम बनेगा टू और फोर, तो यहां मैंने ले लिया, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ सारा, तो यहां मैंने कितना ले लिया, इसको ले लिया कितना ले लिया टू, ये क्लियर हो गया ठीक है, इसको ले लो बस। अब देखो मैं पी क्यू का स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ पी क्यू, आपको पता है हाइपोट्यूज राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोट्यूज, ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये सारी बातें समझ में आ रही है ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको ये कहता हूँ भैया पी आर स्क्वायर है इक्वल टू क्या होगा पी क्यू स्क्वायर और प्लस में क्या होगा क्यू आर स्क्वायर, तो आप रीजन क्या दोगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन में, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये बात समझ में आ रही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये क्लियर हो गया ठीक है। अब आगे देखो, अब पी क्यू कितना आपका टू, तो आपने उसको ले लिया टू स्क्वायर, क्या ले लिया टू स्क्वायर, ये आपका कितना वन, तो उसको ले लिया वन स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना होगा फोर, वन का स्क्वायर वन, बन गया फाइव, फोर प्लस वन फाइव, तो मैं बोल सकता हूँ पी आर स्क्वायर फाइव के इक्वल आ रहा है, तो ये स्क्वायर जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट फाइव, तो हाइपोटेन्यूज के रूट फाइव बनाना था वो मेरा बन गया ठीक है। अब यहाँ आ जाओ फिर से, अब जो बेस वाला पार्ट है वो ये आपने लिया टू, अब 2 यूनिट 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, अब 1 यूनिट पर 2 सेंटीमीटर, 1 यूनिट पर कितना ले लो 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ठीक है, तो ये लाइन मैंने ले ली 2 यूनिट, इन सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये बात क्लियर है ठीक है। और मान लो ये यहां पर ले लिया आपने ओ ए, कितना ले लिया 2 यूनिट, अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, यहाँ क्या रुकोगे कंपस, और यहाँ से इस तरह से आपने ये कर दिया, ये क्लियर हो गया, फिर यहाँ क्या रुकोगे कंपस, और जितना ये ओपन होता है ये बात ये आपको पता है, अगर कंपस यहाँ पेंसिल है जितना आपने ओपन किया उसको एज इट इज ही रखना है, यहाँ कंपस यहाँ एक आर्क आ जाएगी, फिर यहाँ कंपस यहाँ एक आर्क आ जाएगी, ये बात क्लियर, फिर यहाँ कंपस रुकोगी तो ये आर्क आ गई इस तरह से, पहले से बात ये क्लियर हुआ ठीक है। अब ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्या है, फिर ये स्केल लोगे कंपास रखोगे इतना 2 सेंटीमीटर खोलो, कंपास यहाँ ये आपने ऐसे आर लगा ठीक है, और इसको फिर आप क्या कर दोगे ज्वाइन कर, ये कितना है आपका 1 यूनिट बाय दिस
जस्टिफिकेशन, ये वाला जो पार्ट है मेरा, मान लो ये आपका पी है, तो ये जो ओपी वाला पार्ट है, या इसको जी ले लो, एच ले लो, जो भी लेना आप, इसको मैंने एच ले लिया, तो ये जो मेरा ओ एच वाला पार्ट है बाय दिस जस्टिफिकेशन, वो किसके इक्वल है, रूट फाइव। तो मैं बोलूँ ये रूट फाइव होगा। अब यहाँ कंपस रखा और यहाँ आपने पेंसिल रखी, इसको आप इस तरह से नीचे लेके आओगे इस नंबर लाइन पर, तो जहां ये मीट करेगा ये वाला पार्ट क्या, रूट फाइव। तो तीनों क्लियर हो गया आपको, तीनों क्लियर हो गया कैसे करना है, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपका एक क्वेश्चन था, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। ये क्लियर हो गया रूट टू रूट थ्री रूट फाइव कैसे बनाना है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको फिगर गिवन, आपको कहा जा रहा है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको बताना है, और आपसे पूछा जा रहा है थ्री कॉन्करेंट लाइन्स एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कॉन्करेंट लाइन्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, तीन यानी कि तीन पॉइंट लाइन्स एक ही पॉइंट पर पास करें, और वो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपसे पूछा। और फिर थ्री रेज, रेज में क्या होता है, एक साइड का वो क्या होती है, जैसे कि मैंने कहा ये रे है, ये रे है, इसका मतलब यहां से तो क्या ही है, इसके आगे तो नहीं एक्सटेंड हो सकती, लेकिन यहां से इनफाइनाइट डायरेक्शन में, यानी कि एक साइड फिक्स है, एक साइड आपकी इनफाइनाइट डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी। टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट का मतलब लाइक दिस, यानी कि यहां भी फिक्स है और यहां भी फिक्स, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो एक एक करके, फर्स्टली आपको बताना था इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो कैन आई से दैट ई एफ इज द इंटरसेक्टिंग लाइंस, देखो ई एफ और जी एच है कि नहीं है, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, आर। तो आपने कहा ई एफ जी एच एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज आर, पहले बताओ ये कहानी क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा ए बी सी डी, क्या कहा आपने, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, अब देखो ए बी, ये ए बी आपका ए बी राइट, और क्या हो गया आपका सी डी, ये आपका क्या सी डी, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पी। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट में कहा था दो आपको लाइंस बतानी है, ये देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया था आपको, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने क्या कहा, एक आपका क्या हो गया जी एच, एक आपने कहा ई एफ, कोई भी ले लो और पॉइंट आर, दूसरा आपने क्या कहा, यहां से क्या हो गया ए बी, यहां से क्या हो गया सी डी पॉइंट बी, समझ आ गया। फिर आपको देखो क्या कहा गया है, थ्री कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थ्री कॉन्करेंट लाइंस, अब ध्यान से देखो, वन लाइन रेड कलर में जो मैं शो कर रहा हूं, देन ये ब्लू कलर में एक लाइन आ गई आपकी, एंड देन एक लाइन है ग्रीन कलर में, तो ये है ना थ्री कॉन्करेंट लाइंस, ऑल दीज थ्री लाइंस पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, और ये इनका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या कौन कौन सी लाइन होगी, ए बी और जी एच और ई एफ। तो क्या ये चीज समझ में आ रहा है आपको, ए बी ई एफ जी एच, ठीक है। फिर आपको कहा गया था रेस, फिर आपको क्या कहा गया था रेस, अब देखो रेस में देखो आर बी, आर बी आर, मैंने कहा था एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कहा आर बी आर एच, क्योंकि आर पर आपने देखा ना थ्री लाइंस पास हुई है। अब देखो इस चीज को मैं फिगर से दिखाता हूँ, आर बी देखो ये आर है, ये हो गया फिक्स पॉइंट, है ना ये फिक्स पॉइंट, और यहां से आर बी, क्या यहाँ एरो का मतलब क्या, ये इनफाइनाइट आगे जा सकता, फिर क्या आपका आर एच, अब देखो ये आर फिक्स पॉइंट है, और ये आपका क्या आर एच, ये आर एच, ये भी इनफाइनाइट पॉइंट आगे जा सकती है। फिर आपका क्या है आर जी, तो देखो आर जी को देखो, ये आर है और ये आर जी, जी से ही इनफाइनाइट पॉइंट, एक साइड एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट क्या है जो नॉन फिक्स है, यानी कि वहां से वो इनफाइनाइट डायरेक्शन, तो तीन रे बन गई, कौन कौन सी हो गई आपकी, आर बी आर एच और आज, ये पॉइंट क्लियर, ठीक है। फिर क्या पूछा गया था आपसे, टू लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक लाइन सेगमेंट है,
बिकॉज यहां से लेके यहां तक ये तो फिक्स है, एरो तो नहीं आ रहा ना कहीं। और यहां से देखो क्या ना है, दिस इज द लाइन सेगमेंट आरपी, तो आर क्यू एंड आरपी, तो क्या ये समझ में आ रहा है आपको, आर क्यू एंड आरपी। और देखो एरो लगाओगे तो रे, लाइन सेगमेंट पे एरो नहीं आता है, इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। सिंपल का ध्यान रखना, क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। इफ टू पैरल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, कहता है अगर दो पैरल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटरनल एंगल फॉर्म अ रेक्टेंगल। बताओ कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 8। कुछ समझ में आया? मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये आपका, याद है एग्जाम्पल बहुत बार टेस्ट में दिया है आपको, अगर आपको याद आया हो तो। अब मैं आपको शक्ल दिखाता हूँ, शक्ल देखते पहचान जाओगे। हाँ सर, ये तो कर करके थक गए हैं। देखो दो पैरल लाइंस, ये देखो ये है दो पैरल लाइंस जो क्वेश्चन में वो बात कर रहा है। टू पैरल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्टेड बाय, तो ट्रांसवर्सल होगी ये पी, ये बात समझ में आ रही है। देयर एंगुलर बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया, और ये बाइसेक्टर हो गया। ये जो बाइसेक्टर से ये जो फिगर बनी है, क्वाड्रिलेटरल बना है, ए बी सी डी, ये क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए पहले तो ये पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा, और उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कहानी क्लियर? ठीक है, तो गिवन क्या है, टू पैरेलल लाइंस दैट इज एलिस पैरेलल टू एम, एंड पी इज अ ट्रांसवर्सल, पी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये बात क्लियर है? ठीक है, ए बी सी बी सी डी एंड ए डी आर बाइसेक्टर ऑफ, देखो ए बी किसका बाइसेक्टर है, ए का, तो ए बी बाइसेक्टर हो गया एंगल पी ए सी का, ये गानी क्लियर? ठीक है, फिर आपने कहा सी बी, देखो ये रहा आपका सी बी, सी बी किसका बाइसेक्टर हो गया, क्यू सी ए का, तो ये रहा क्यू सी ए, ये है इसका बाइसेक्टर। ठीक है, फिर आपने कहा सी डी, देखो ये आपका सी डी है, ये सी डी है, अब ये सी डी किसका बाइसेक्टर हो गया, आर सी ए का, आर सी है ये, आर सी, ये गानी क्लियर? ठीक है, और फिर आपने क्या कहा, ए डी, तो ये आपका ए डी है, ये किसका बाइसेक्टर है, एंगल एस ए सी का, एस ए सी का, बोलो भाई क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छा आपने फिर इसमें एंगल ले लिया, फिगर में आपने एंगल इस तरह से लिया है, बाइसेक्टर है, दो दो एंगल में डिवाइड होगा, ये हो गया एंगल वन एंगल टू, बाइसेक्टर तो मैं बोल सकता हूँ एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, फिर ये भी बाइसेक्टर हो रहा है एंगल, तो यहाँ भी दो एंगल हो गए, थ्री और फोर, ये भी इक्वल होंगे, इसी तरह से यहाँ पे ये जो दो एंगल है एंगल फाइव और सिक्स, ये भी इक्वल होंगे, और ये बाइसेक्टर है तो ये दो एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो क्या ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखो, अब आपको प्रूफ क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी डी ये जो फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल है, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब देखो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो आपने कहा वी नो दैट रेक्टेंगल एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, यस और नो, यही हमें प्रूव करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये जो ए बी सी डी है वो क्या है, पैरेललोग्राम, ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो आपने कहा एल इज पैरेलल टू एम, ये जो एल है आपका वो किसके पैरेलल है, एम के, पर पी क्या है आपका, ट्रांसवर्सल, ये बात नहीं क्लियर? ठीक है, नाउ कैन आई से दैट एंगल पी ए सी, अब ध्यान से देखो एंगल पी ए सी, ये है आपका एंगल पी ए सी, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये किसके इक्वल होगा, एंगल आर सी है, ये वाला एंगल आर सी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिल्कुल इक्वल होंगे। अब जहां एंगल ए की बात हो रही है, पी ए सी की बात हो रही है, इसमें दो एंगल आ रहे हैं, वन प्लस टू, तो आपने कहा वन प्लस टू इक्वल टू आर सी ए, आर सी ए में भी दो एंगल आ रहे हैं, फाइव और सिक्स, तो आपने कहा इक्वल टू फाइव प्लस सिक्स, ये गानी क्लियर? अभी हमने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल टू के, और एंगल फाइव किसके इक्वल है, एंगल सिक्स के, तो एंगल टू की जगह आपने वन लिखा और एंगल सिक्स की जगह आपने फाइव लिखा, ये गानी क्लियर? ठीक है, अब दोनों को ऐड कर, तो देखो ट्वाइस ऑफ एंगल वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल फाइव होगा, टू से टू कैंसिल कर दो, तो एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल फाइव के। ठीक है, अब फिगर पर आ जाओ जरा, एंगल वन और एंगल फाइव को देखो,
एंगल वन और एंगल फाइव, ये तो मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लाइज बिटवीन द पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो आपने एक चीज प्रूव कर दी कि ए बी जो है आपका वो किसके पैरेलल है, सी डी के। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते, समझ में आ गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखो, फिर आपने कहा सिमिलरली, फिर आपने क्या कहा सिमिलरली एल इज पैरेलल टू एम। अगेन देखो एल किसके पैरेलल है, एम के। और पी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल। पी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल। एंगल एस ए सी, एस ए सी ये वाला एंगल, ये सेम वही चीज होगी, ये इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। फिर आप क्या कहोगे, ये एंगल क्या है आपका 7 प्लस 8, ये एंगल क्या है आपका 4 प्लस 3। आपको फिगर के अंदर आना है, बाहर नहीं, फिगर के अंदर। फिगर के अंदर आऊंगा तो 4 और 3 में से फिगर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, 3। 7 और 8 में से फिगर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, 7। तो मुझे 3 और 7 में रखना है, 8 7 के इक्वल है तो इसको भी 7 कर दो, 4 3 के इक्वल है इसको भी 3 कर दो, यस और नो। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि 3 7 के इक्वल है, तो भैया ये 3 है ये 7 है, तो ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इसलिए यहां से ये भी क्या होगी, लाइंस पैरेलल। इट मींस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2, वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब क्या प्रूव करना है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। चलो जी वो प्रूव करते हैं। पहले मुझे बताओ, कैन आई से दैट एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये एंगल, ये मीन्स देखो ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, टू इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये और ये वाला है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कोई को इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। तो इनका सम क्या होगा, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल, 180 के, ये क्लियर है, ठीक है। अब अगेन हमारा टारगेट क्या है, हमें फिगर के अंदर आना है, फिगर के अंदर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 3। तो 4 को मैं क्या लिखूंगा, 4 की जगह लिखूंगा 3, इक्वल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो और इसकी जगह क्या लिखूंगा, 1। तो अगर मैं इस तरह से चाहता हूं, जैसे कि हम अभी कर रहे थे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 4 किसके इक्वल है, 3 के। तो आपने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 किसके इक्वल है, 1। तो 1 प्लस 1 ये कितना हो गया, 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 1 ये कितना हो जाएगा आपका, 90। लेकिन अगर मैं इस कंसेप्ट के साथ आगे जाता हूं, तो इससे हमारा ये एंगल 90 डिग्री प्रूव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, कॉन्टीरियर एंगल से। दूसरा कंसेप्ट लगा के देखो, दूसरा कंसेप्ट माइंड में क्या आता है कि क्या सर हम एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं, जो जो माइंड में आ रहा है यही आ रहा है। ऑल्टर इंटीरियर एंगल से अगर मैं ऑल्टर इंटीरियर एंगल भी ट्राई करूं, तो देखो ये वाला एंगल कितना आपका, 1 प्लस 2 है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो यहां से भी नहीं होगा। तीन कंसेप्ट आपके माइंड में आते हैं, एक आता है को इंटीरियर एंगल, दूसरा आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तीसरा आता है एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन। को इंटीरियर एंगल से करके देखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये आपका कितना आ जाएगा, 90। लेकिन आपको एक प्रूव, हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर ये भी इजी ऑप्शन है जो थर्ड ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, भैया एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन या फिर यहां लगा दो या फिर यहां लगा दो। देखो कैसे, अगर मैं एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन लगाता हूं तो क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180। मैंने क्या कहा, फिगर के अंदर आना है, किसके अंदर आना है, फिगर के अंदर, ठीक है। तो जब आप फिगर के अंदर आओगे, तो जब आप फिगर के अंदर आओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, एंगल 3, और आपको क्या चाहिए, एंगल 5। समझ आ रहा है, फिगर के अंदर आऊंगा मैं, तो देखो 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3, और 6 की जगह क्या लिखूंगा, 5। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 कितना हो जाएगा आपका, 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना हो गया, 90। तो आपने प्रूफ कर दिया कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है आपका वो कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
अगर हम को इंटीरियर एंगल से जाएंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा? 90। और यहां से क्या हो जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 7 कितना हो जाएगा? 90। समझ आ गया? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन ऑटर इंटीरियर एंगल से जाओगे तो वो भी वैलिड नहीं रहेगा। बेटर क्या ऑप्शन है? सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, सीधा ही एक एंगल आपका, चाहे आप यहां करो चाहे यहां करो, सीधा एक एंगल आपका क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? ठीक है, सो आपने कहां था कंप्लीट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 34 था। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, या चलो करवाई दे, दो ही क्वेश्चन बचे हैं, कर लेते हैं। प्रूव दैट इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। पढ़ाई क्वेश्चन कहीं देखा है? मुझे एक बात बताओ, पहले ये बताओ क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको? आधे से ज्यादा बच्चों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता बोला क्या जा रहा है। देखो अच्छा भाई, कह रहा सर आर्म्स की बात हो रही है। देखो इधर, मान लो जो एंगल की वो बात कर रहा है वो एंगल ये है आपकी। अब यहां से देखो, आर्म्स ऑफ एन एंगल, यहां से आपने आर्म्स ली, ये आर्म इसका और ये इसका आर्म, मानते हो? ठीक है, एक एंगल मैंने यहां ले ली, इसके आर्म्स ले लो, ये इसका आर्म ये हो गया और एक ये इसका आर्म। ध्यान से समझना फिगर को। ठीक है, तो मान लो, अब देखो मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, और जिन एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं कौन कौन से एंगल है? डी और बी। प्रूव दैट आर्म्स ऑफ एन एंगल आर रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल। ये एक एंगल है, इसके जो आर्म्स है वो, यानी कि ये कहा जा रहा है जो बी है, एंगल बी का ये जो आर्म है बी है वो इसके परपेंडिकुलर है, और एंगल बी का जो दूसरा आर्म है बी सी वो इसके परपेंडिकुलर है सी के। इसी तरह से जो आपका एंगल डी है, इसका ये जो आर्म है वो एंगल ए के परपेंडिकुलर है, और इसका ये वाला जो आर्म है वो एंगल सी के परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो ऐसा है तो ये जो एंगल्स है कौन कौन से? बी और डी, या तो ये इक्वल होंगे या सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, और इक्वल का मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। अब ये दोनों ही चीजें यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी, ये सप्लीमेंट्री भी होते हैं होंगे और इक्वल भी होंगे। कैसे आप समझो? देखो इस चीज, देखो पहले तो फिगर क्लियर है आपको। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? दो एंगल की जो बात करें, ये एंगल वन यानी कि एंगल बी और एंगल टू क्या ले लिया? एंगल डी। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों को, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे या क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप देखो कैसे प्रूव करो, नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, बताओ कैसे। इन चारों का सम कितना होगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं इनका सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, कितना होगा? 360 होगा या नहीं होगा? इसमें से दो दो एंगल्स का आपके पास मेजरमेंट है, एंगल ए कितना है और एंगल डी कितना है? 90। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 360 माइनस 180। फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, उसके बाद देखो मुझे बताओ बी प्लस सी कितना होगा? 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल होगा। और एंगल सी कितना है आपका? 90। तो अगर एंगल सी 90 है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। ये कहानी क्लियर? ठीक है, अच्छा अब ये बताओ मुझे एंगल ए प्लस एंगल डी ये कितना होगा? रीजन को इंटीरियर एंगल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है सेम लाइंस पर वो हमेशा पैरेलल होता है। अगर दो लाइंस के बीच में, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लाइन भी दो लाइंस के बीच में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। ऐसे यहां भी ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी पैरेलल है। क्लियर हो गया? ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी भी कितना होगा? 180। ऐसे देखो एंगल ए कितना है आपका? 90।
तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एंगल डी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो बी भी 90, ये भी 90, तो देखो इक्वल भी है और सप्लीमेंट। ये गानी क्लियर? ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन डी, द हाइट ऑफ 75 स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गिवन बिलो, 132, 136, 136। तो देखो कंटिन्यूटी में है, फिर 142 से स्टार्ट हो रहा है 148। हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है? कंटिन्यूटी में बंदा को गैप नहीं होना चाहिए। तो देखो 132, 136, पहले बताओ जब आप यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर किंक आएगा नहीं, बिकॉज 0 के बाद कहाँ से स्टार्ट करोगे? सीधा 130। समझ आ रहा है? तो क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? ये देखो ये इस तरह से आपकी पैरल लाइंस आ जाएंगी। ये आपका पहले तो ये समझो, ये आपके रेक्टेंगल बनेंगे। पहले तो जो मैंने बात बताया वो समझ में आ रहा है, किंक क्यों बनाया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। 0 से सीधा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 130 से। किससे स्टार्ट हो रहा है? 130 से। तो क्या आपको ये रेक्टेंगल समझ में आया? 132, 136, और वैल्यू कितनी है आपकी? वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है इसकी? अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यूएशन देखो तो कितनी है? 9। तो क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है? 9। तो देखो ये 10 से थोड़ा सा नीचे लिया आपने, तो ये हो गया 9। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी? जो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी वो है 136 टू 142 12, 136 टू 142 12। तो इधर देखो 136 टू 142, ये कितना आपका? 12। तो देखो 10 से थोड़ा सा ऊपर, ये आपका 12 आएगा। समझ आ गया? इसी तरह से सारी वैल्यूज लेनी है आपको। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है आपकी? 18, 23, 10, 3। तो इसी तरह से आप जो नेक्स्ट इंटरवल्स लोगे आपके वो इसी तरह से बनेंगे। देखो तो ये वाला जो है आपका ये 20 से थोड़ा नीचे आ रहा है 18, ये हो गया 23, ये हो गया आपका 10, और ये हो गया आपका 3, और ये बन गया आपका हिस्ट्री। क्लियर सारे क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लास्ट सेक्शन शुरू करेंगे, दैट इज सेक्शन। ठीक है, और इसके बाद जैसे पेपर कंप्लीट हो जाएगा आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन की, पूरे सिलेबस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। उसमें सारे चैप्टर्स के हम जो आपका सिलेबस है, टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके? 15। इसको हम सेट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने कंस्ट्रक्शन तो आ नहीं रहा आपका, तो मोटा मोटा मान के चलो उन्होंने एवरेज 5-5, तो 5-5 के हम सेट बनाएंगे। तो पहले इन 5 चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म करेंगे, फिर इन 5 चैप्टर के, और जैसे ही खत्म होगा आपको सारे एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी विद इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? ठीक है,